ज्यादा वर्क नहीं है, मुझे ज्यादा वर्क चाहिए नहीं था। मैंने अपने कजन की मंगनी के लिए लिया, फ्रेंड की शादी के लिए अभी इसी साल बनाया था मैंने जनवरी में। मैंने लो ये ऐसी कुछ गाउन है, ये नीचे में ना इसके ऐसा लुक आता है, ये इसके बीच में से ना ये ऐसे जैकेट स्टाइल की गाउन है, तो नीचे की वजह से मैंने इसको लिया था। ये बीच में से शिफॉन का दुपट्टा है, दुपट्टे के भी चारों साइड में से यहाँ पे इसका ये बहुत ज्यादा हैवी है ऊपर का, और ये राउंड कुर्ती है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ में क्या शेयर कर रही हूँ। सो मैं आज आपके साथ में अपने हैवी पार्टी वेयर सूट शेयर कर रही हूँ, जो सारे मैंने यहाँ निकाल के रखे हैं, देख सकते हो आप पीछे में मैंने इतना पहाड़ जमा दिया है पूरा। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आपके हैवी पार्टी वेयर सूट शेयर करो, तो मैंने सोचा शेयर करते हैं, बिकॉज अभी दिवाली है एंड फेस्टिव सीजन है, अभी वेडिंग सीजन भी है, तो अगर आप लोग इंस्पायर होकर कुछ खरीदना चाहते हो मिलता जुलता तो आप लोग ले सकते हो, तो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ गाइस। मेरे पास में थोड़े बहुत है सूट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत है, और ये मैंने अभी रिसेंट ही बाय किए है, मतलब एक दो साल में ही मैंने सारे खरीदे है, मतलब बहुत पुराने पुराने सालों के नहीं रखे हुए मेरे पास में, सारे अभी न्यू पैटर्न के न्यू ट्रेंड के है, और ये इतने ज्यादा मैंने बिल्कुल पीछे में ऐसे इकट्ठे कर दिए है क्योंकि जगह नहीं है रखने के लिए। सबको इग्नोर करिएगा, सबको दिखाने का मेन मकसद ये है गाइस कि मेरे कजन की अभी शादी नेक्स्ट मंथ दिवाली के टाइम पे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन्हीं में से कोई पहनूं उसकी शादी में या फिर मैं न्यू बाय करूं, बिकॉज ये सारे मैंने एक एक दो दो बारी पहने हैं और ये बहुत ज्यादा हैवी मैंने लिए थे, बहुत महंगे लिए थे, और अब इनको मैं रीयूज नहीं कर पा रही हूं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड ये एक तरीके से आप लोग मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो इस वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा आप लोग मुझे कि ये मैं पहनूं नहीं पहनूं एंड कौन सा मुझे पहनना चाहिए। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो चलिए मैं सबसे पहले तो फर्स्ट सूट आपको दिखाती हूँ, मैं पहले इसको हैंगर में लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से इसका लुक समझ में। बस ये वाला दिखा रही हूँ आपको मैं, ये शरारा है, राउंड कुर्ती है, इसके नीचे में पीछे जाती हूँ मैं थोड़ा सा ताकि आप इसको प्रॉपर देख सको, तो ये ऐसा है, इसके ऊपर यहाँ पे पूरा काम है, पूरी एम्ब्रॉयडरी है, ये हैवी काम है इसका, ये बहुत ज़्यादा हैवी है ऊपर का, और ये राउंड कुर्ती है। मैं यहाँ पे साइड में पिक्चर भी लगा दूंगी, आप लोग देख लेना मैंने इसको कब पहना था। तो ये मैंने अपने एक कज़न के शादी के लिए लिया था 2 साल पहले, लॉकडाउन के टाइम लिया था मैंने, बट इसको मैं पहन नहीं पाई ज़्यादा। ये नीचे में देख सकते हो आप, इसके नीचे में पूरा ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है, अभी आपको उतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा हूँ कि लाइट की कमी है यहाँ पे थोड़ी सी, बट ये बहुत ही प्यारा कोका कोला कलर का था एंड ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। ये सेवी स्टिच लिया था मैंने, इसको मैंने स्टिच करवाया था। रारा भी आपको दिखाती हूँ मैं खोल के, मैंने शायद इसको स्टाइल भी किया था। तो ये इसका दुपट्टा है, शिफॉन का दुपट्टा है, दुपट्टे के भी चारों साइड में ऐसे यहाँ पे डिज़ाइनिंग मतलब ये सा काम है, और बहुत ही अच्छा दुपट्टा लगता है ये, बहुत ही सुंदर मेरे को ड्रेस लगा था ये, कोका कोला कलर, ये इस टाइप का यूनिक सा कलर है, मेरे पे बहुत अच्छा लगता है ये, अच्छा लगता है ये कलर। एंड इसका ये है शरारा, शरारा भी आपको दिखा देती हूँ मैं, ये इसका प्यारा सा शरारा है गाइस। इसके नीचे में सेम वैसे ही काम है जैसे उस कुर्ती के ऊपर में है, तो ये प्लेन सा शरारा है। सो अभी मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं ये पहनूँ उसके किसी फंक्शन में या नहीं पहनूँ, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी 2-4 बार पहन चुकी हूँ, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। बाकी एक फर्स्ट सूट है मेरा, सो ये फर्स्ट सूट है मेरा हैवी पार्टी वेयर सूट, मैं जरा कैमरे को ऊपर किया ताकि आपको समझ में आए। सेकंड ये वाला सूट है, पूरा सेट है ये, इसके नीचे में पैंट है, दुपट्टा ये है, और ये है इसका कमीज, और ये थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन का, ये अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये ना बीच से इसके कट है, इतना प्यारा इसका कलर लगा था मेरे को, कलर की वजह से मैंने इसको स्पेशली लिया था। इसका कलर जो है अनियन पिंक कलर है, बहुत ही सुंदर सा कलर है एंड बहुत स्टैंडर्ड लगता है ये कलर। इसके पूरा राउंड गला बना हुआ है और गले पे यहाँ पे पूरे में काम है एंड नीचे में ना इसके बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अभी आपको ये पूरा नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं इसको हैंगर में से निकाल के आपको दिखाती हूँ। इस टाइप का है, इसके राउंड नेक है और नेक पे ये पूरा पूरा हैवी वर्क है। नीचे में इसकी जो स्लीव्स है 3/4 है एंड नीचे में देख सकते हो आप, नीचे में ना इसके बहुत यूनिक से डिज़ाइन की डिज़ाइन पैटर्न बना था, तो नीचे की वजह से मैंने इसको लिया था। ये बीच में से इतनी लंबी इसकी स्लिट दी हुई थी, बीच में से इतनी लंबी और साइड में भी स्लिट दी हुई है। यहाँ पे पूरे में इसके ये सेम वैसे ही वर्क था जैसे कि गले पर किया हुआ है, और इतना खूबसूरत लगता है ये पहनने के बाद में, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है।
तो ये भी मैंने अपने एक कज़न की शायद शादी में लिया था उसकी, हाँ ये शादी में लिया था मैंने ये। और ये वाला जो है मैंने आपको पहले दिखाया वो मैंने साथ में ही लिया था। इसके नीचे में यहाँ पे सेम वैसी बॉर्डर बनी हुई है, यानी काफ़ी लॉन्ग है पहनने के बाद ना, ये बहुत लॉन्ग कुर्ती है। जैसे मैं पिक्चर मैंने पहना है तो मैं यहाँ पे साइड में पिक्चर में भी आप लोग देख लेना, तो ये काफ़ी लॉन्ग कुर्ती है। इसके साथ में ये जो पैंट है ना बहुत अच्छी लगती है, पैंट के एक एक तरफ पे एक पाइचे पे ही काम है ये वाले, और दूसरा पाइचा प्लेन है क्योंकि ये पाइचा ना वो स्लिट में से दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये जो एक पाइचा ये प्लेन है और ये सिर्फ बिल्कुल एक कलर का सूट है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक कलर का, मतलब आप लॉन्ग लंबे दिखते हो और बहुत अच्छा स्टाइलिश सा लुक आता है। दुपट्टा थोड़ा सा पतला है इसका, मतलब पतला क्या, बिल्कुल ऐसा ही सिंपल सा है, नेट का दुपट्टा है, दुपट्टा इतना कुछ खास नहीं है। सूट बहुत अच्छा है तो ये भी मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मैं ये भी पहन सकती हूँ किसी फंक्शन में। सो ये एक गाउन है, ये इसके बीच में से ना ये से जैकेट स्टाइल की गाउन है, बहुत ही सुंदर कलर है इसका भी, ये किसी के हल्दी फंक्शन में पहनने के लिए बहुत अच्छी है। अभी इसको रिसेंट में पहना भी था मेरे कज़न की कज़न ब्रदर की हल्दी में पहना था ये, एंड सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो ये मैंने हल्दी में पहना था और ये हल्दी के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो इसका लुक कैसा है यहाँ पे, ये पूरा वर्क है, सीक्वेंस वर्क, कलर राउंड है इसका बना हुआ, और ये भी बहुत सुंदर सी लॉन्ग गाउन है, बहुत स्टाइलिश लगती है पहनने के बाद में। तो ये देख लो, ये पूरी नीचे तक के गाउन है और ये येलो कलर के अंदर में इसकी लाइनिंग है, और ऊपर में जैकेट ग्रीन कलर की है, मतलब ये डिटैचेबल नहीं है, ये पूरी अटैच ही है, मगर ये ऐसा लगता है कि आपने ऊपर से पहना है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। एंड मैंने ये यहाँ के बहुत फेमस शॉप है नागपुर में सेवा वाले की, वहाँ से लिया था मैंने ये। एंड इसके नीचे में सिंपल चूड़ीदार है, दुपट्टा भी पता नहीं मुझे, दुपट्टा इसका येलो कलर का है सिंपल। एंड ये आप देख लो, ये इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी है इसके भी, ये पूरे स्टोन वर्क है, नीचे तक के वर्क है गाइस, और मैं कैमरे पे दिखा भी नहीं पा रही आपको क्योंकि ये बहुत नीचे तक के लंबी गाउन है, तो आप लोग समझ जाना, मैं पिक्चर लगा दूंगी साइड बाय साइड, ये वीडियो लंबी हो जाएंगी तो मैं इसका दो पार्ट डालूंगी वरना आप लोग देखोगे नहीं क्योंकि इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। गाइस नेक्स्ट ये वाली गाउन है और ये भी मुझे बहुत पसंद है, और ये जो है ये भी मैंने अपने कज़न ब्रदर की मंगनी शादी के लिए ली थी 2018 या 19 में ली होंगी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। बहुत ही सुंदर कलर है इसका नेवी ब्लू, और ये पूरी नीचे तक भरी हुई गाउन है, ये पूरा गोल्डन कलर से इसका थ्रेड वर्क है, और थ्रेड वर्क की वजह से ये मैं अभी तक इसको पहन पा रही हूँ क्योंकि थ्रेड वर्क मतलब ये ना थोड़ा सा हैवी वर्क लगता है। और स्लीव्स इसकी इतनी हैं, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स में भी थोड़े थोड़े से स्टोन वर्क ये सब कुछ दिया हुआ है। इसकी जो नेक की डिज़ाइन है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने इसको लिया था। ये जो नेक की डिज़ाइन है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर खूबसूरत सी ऐसा ये पूरा कटा कटा सा डिज़ाइन है, कौन सा डिज़ाइन बोलते पता नहीं, और ये बोट नेक है तो ये बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद में। एंड ये सब ये एक एक एक, एक स्टोन लगा हुआ है इसमें। बाकी आप इसका लुक देख लो, ये ऐसी कुछ गाउन है, ये नीचे में ना इसके ऐसा लुक आता है, मतलब ये जो वर्क है ना ये ऐसा दिया हुआ है, ऐसा पूरा सीधा नहीं है, आप समझ जाओ, ये देख लो ये कुछ ऐसा वर्क है। सो ये मतलब ये पूरा तिरछा काम है इसके ऊपर, फोटो में आप लोग देख लेना कैसा लग रहा है। तो ये भी बहुत सुंदर है, बहुत हैवी वर्क है। कुर्ती और शरारे का ये भी सेट है, ये मैंने लिया था, ये मैंने बनाया था अपनी फ्रेंड की शादी के लिए, अभी इसी साल बनाया था मैंने जनवरी में, मैंने उसकी शादी में पहन के भी गया था, एक ही बार पहनी हूँ तब से, उसके बाद पहनी नहीं हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर इसका मैंने गला बनाया था, और ये सब मैंने कपड़ा वगैरह लेके बनाया था, बट ये इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ऐसा लगता ही नहीं है देख के कि मैंने इसको मतलब बनवाया था, ऐसा लगता है कि मैंने रेडीमेड ही लेकर आया था। तो ये इसकी कुर्ती है, ये बीच बीच में पूरा ऐसा ये वर्क है, मतलब वर्क वाला कपड़ा लिया था मैंने। एंड ये शॉर्ट कुर्ती है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि इसके नीचे मैंने शरारा बनाया था, गाइस इसलिए मैंने शॉर्ट कुर्ती बनवाई थी ताकि शरारा जो है वो लुक उसका अच्छा है। तो यहाँ पे भी मैंने ये बच्चे कपड़े का ये लगवाया था, इसका पट्टी लगवाई थी शरारे के बीच में, मतलब यहाँ पे अच्छा आता है लुक। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैमरा जो है उतना ज़्यादा नहीं दिखा पाता ना, तो ये नीचे में भी मैंने सेम वैसे पट्टी लगवाई थी, तो ये और ये साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद में। एंड इसके साथ में दुपट्टा इसका हैवी था, बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टा है ये पूरा बॉर्डर वाला दुपट्टा है, और ये दुपट्टे की वजह से ही मैंने ये पूरा सूट बनाया था। दुपट्टा मेरे पास ऑलरेडी था ये वाला, लेकिन ये कपड़े को मैंने मैच करके बनाया था, तो ये बहुत सुंदर है ये भी। और इसके बीच बीच में ऐसे बूटे बने हुए हैं दुपट्टे के, और दुपट्टा साइड में रखने के लिए बहुत अच्छा है,
ऐसे रखने के लिए बहुत सुंदर है। तो ये दुपट्टा था, इसका इन दुपट्टे की वजह से ही मैंने ये पूरा सूट बनवाया था। तो ये मैंने सिर्फ एक बार पहना है अभी तक के, और अभी इसके बाद नहीं पहना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये भी पहन सकती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हो कि मैं कौन सा पहनूं। ये वाली गाउन है, ये भी फुल लेंथ गाउन है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही थी जब मैंने इसको लिया था, कि इसके ना स्लीव्स बहुत ज़्यादा ऐसे वो बटरफ्लाई स्टाइल वाले थे। तो ये वो जो ट्रेंडिंग वाली स्लीव्स थी ना, बटरफ्लाई वाली, वैसी वाली स्लीव्स का गाउन है ये। अभी मैंने इसको नहीं पहना है बहुत दिनों से, एक दो बार ही पहना है, मतलब ज़्यादा नहीं पहनी मैंने इसको। ये कुछ ऐसी गाउन है गाइस, इसकी पूरा पूरा ये वर्क है और ये हैवी वर्क है, वो कट दाने का जो वर्क बोलते हैं ना, वो वाला है। और ये जॉर्जेट की गाउन है, पूरी नीचे तक लंबी गाउन है इस, नीचे तक इसके पूरा ऐसे फ्लो है। तो ये बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद में। मैंने अपने कॉलेज के किसी फंक्शन में इसको पहना था, आप लोग देख लेना। तो मतलब मैं यहाँ पे साइड में वीडियो फोटो लगा दूंगी। जब मैंने इसको पहना था तो मुझे इतने सारे, यहाँ तक मेरी टीचर्स ने भी मेरी तारीफ करी थी जब मैंने इसको पहना था। तो बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, बट इसका जो ये कलर है ना, कलर की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब बिल्कुल वेडिंग अप्रोप्रिएट कलर बोलते हैं ना, वैसा कुछ है ये। ज़्यादा वर्क नहीं है, मुझे ज़्यादा वर्क चाहिए नहीं था, मैंने अपनी कज़न की मंगनी के लिए लिया था 2 साल पहले। ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था इसलिए मैंने सिंपल ही लिया था, एंड ये उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद। ये इसके बॉर्डर है बनी हुई इसके कमर के पास में, जो कि बहुत अच्छी आती है यहाँ पर जब आप ऐसे पहनो ना, तो यहाँ कमर के पास इसकी बॉर्डर आती है। और ये इसके दोनों आस्तीन के यहाँ पे साइड में इसके पूरा वर्क आता है और यहाँ पे भी वर्क आता है। बाकी पीछे से पूरी प्लेन है, कुछ भी नहीं है पीछे, पूरा प्लेन है। इसका दुपट्टा जो था ना वो बहुत अच्छा था, दुपट्टे के यहाँ पे चोकर स्टाइल में ना ऐसे वर्क का ऐसे बना हुआ था, ताकि इसको बस गले में ऐसे डाल लो। दुपट्टा पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया अभी, लेना मैं यहाँ मतलब फ़ोटो में लगा दूंगी कि इसका लुक कैसा आता है पहनने के बाद। बहुत सुंदर गाउन है और ये मैंने सिर्फ 1600 की ली थी, सिर्फ 1600 की ली थी मैंने ये, और सब लोगों को हैरत हो गई थी कि मैंने इतना सस्ता कैसे इसको ले लिया, बिकॉज ये बहुत सुंदर लगती है देखने के बाद में, मतलब पहनने के बाद में जब इसको एक्सरसाइज वगैरह करो ना तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक और गाउन है मेरी। ओके गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट मैं डालूंगी इसका, क्योंकि आई नो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी और इतने सारे मेरे पास सूट है ये पीछे सारे अभी आपको और दिखाने के हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तो आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कमेंट में कि मैं इनमें से कौन सा सूट पहनूं शादी में, या फिर मैं वैसे तो मैं एक नया लूंगी और एक मैं इन्हीं में से कुछ पुराना पहनूंगी, मतलब रिसेप्शन में तो मैं पुराना ही पहनूंगी। शादी के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं नया लूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है तो शादी में नया लूंगी, रिसेप्शन में पुराना चला लेंगे, देखते हैं अभी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको मेरे ये जो मैंने अभी आपको सूट दिखाया इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।